नमस्कार, मैं वर्षा सिन्हा विजय न्यूज के न्यूज सेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपको राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के बारे में दो ऐसे सनसनीखेज दावे सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। राम रहीम और उनके डेरा सच्चा सौदा के बारे में दो ऐसे सनसनीखेज दावे किए गए हैं जिसे जानकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे, पुलिस भी चकरा जाएगी। डेरा सच्चा सौदा में फिल्मों की शूटिंग की आड़ में डेरा मुखी अपने कुर्बानी गैंग के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दिलाया करते थे। ये खुलासा गुरमीत राम रहीम सिंह के एक रिश्तेदार भूपिंदर सिंह गौरा ने किया है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपिंदर सिंह गौरा, जो हरमिंदर सिंह जस्सी के भांजे हैं, अपने वकील के साथ मौजूद थे। यहाँ उन्होंने बताया कि डेरा सिरसा में हथियारों का बड़ा जखीरा छिपाया गया था और डेरा मुखी ने कुर्बानी गैंग के रूप में 15,000 शिष्यों को तैयार किया था। गौरा ने बताया कि डेरे में फिल्म शूटिंग के दौरान जो फायरिंग और बम धमाके के सीन फिल्माए जाते थे, वह दरअसल कुर्बानी गैंग के हथियारों की ट्रेनिंग का हिस्सा होता था। किसी को पता न चले इसलिए इस ट्रेनिंग को फिल्म शूटिंग का नाम दिया जाता था। गौरा ने खुलासा किया कि डेरा और डेरा मुखी के राज खोलने के कारण उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्हें मारने के लिए डेरे ने 1,00,000 रुपए की सुपारी भी दी है। गौरा ने बताया कि उन्होंने इस बात को लेकर 16 जनवरी को पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। गौरा ने कहा कि डेरे में एक ऐसी जगह भी थी जहां विरोध करने वालों को बंद करके पहले बुरी तरह पीटा जाता था। अगर विरोधी जुबान बंद रखने पर राजी नहीं होता था तो उसे गायब कर दिया जाता था। गौरा ने पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में एन पहले मोड़ मंडी के में हुए कार ब्लास्ट के लिए डेरा मुखी और उनके समधी कांग्रेस विधायक हरमिंदर सिंह जस्सी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। गौरा ने आरोप लगाया था कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार डेरा सिरसा में भी तैयार की गई थी और चुनाव प्रचार के दौरान बम धमाका करवा कर हरमिंदर सिंह जस्सी के पक्ष में सहानुभूति की लहर बनाने की योजना थी ताकि वह आसानी से चुनाव जीत जाए। गौरा ने आगे कहा कि इस कांड में पकड़े गए लोगों ने भी खुलासा किया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार को उन्होंने सिरसा डेरे में ही पेंट किया था, उसमें वहीं पर कई बदलाव किए गए थे। गौरा ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि ब्लास्ट गुरमीत सिंह राम रहीम ने ही करवाया था, क्योंकि जब उनका बेटा काफिले के साथ था तब तक कोई भी धमाका नहीं हुआ। उनके बेटे के जाने के बाद ही ये धमाका हुआ जिसमें निर्दोष लोगों की जानें चली गईं। गौरा ने जस्सी और डेरा मुखी के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मांग की है कि वे हरमिंदर सिंह जस्सी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निकाल दें। जस्सी को मारने के लिए कराया गया मोड़ मंडी ब्लास्ट दूसरी ओर डेरे के पूर्व सेवादार गुरदास तूर ने आरोप लगाया है कि डेरा प्रमुख व उनके समधी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरमिंदर सिंह जस्सी के बीच काफी समय से तकरार चल रही थी, जिसके चलते राम रहीम ने जस्सी को मारने के लिए मोड़ मंडी ब्लास्ट करवाया। गुरमीत ने डेरे की किग्जी फैक्ट्री को बंद करवा दिया था, जिसके बाद जस्सी अपने दामाद एवं राम रहीम के बेटे जसमीत सिंह को साथ रखना चाहता था। इसी बात को लेकर डेरा मुखी की हरमिंदर सिंह के साथ खटपट होती गई। इसी के चलते राम रहीम ने समधी जस्सी को अपने रास्ते से हटाने के लिए मोड़ मंडी में ब्लास्ट करवाया। तूर का आरोप है कि ब्लास्ट में प्रयोग की गई कार डेरे में तैयार की गई थी और तैयार करने वाले मैकेनिक ने ही इसे आरडीएस फिट किया था। स्वर्गीय पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति का कहना है कि मोड़ मंडी ब्लास्ट मामले में डेरा प्रमुख के शामिल होने की इसलिए संभावना है क्योंकि राम रहीम व उनके समधी के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल विजय न्यूज़ दैनिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज़ हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज़ की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉग इन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।